दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि 2021 में अगर बिजनेस शुरू करना है तो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग तो ऑनलाइन ही सामान खरीदते हैं। इसके अलावा दुकान लेनी नहीं पड़ती है, रेंट इलेक्ट्रिसिटी का झंझट नहीं होता है। सिंपल सी एक वेबसाइट बनाओ, थोड़ा सा माल खरीदो, वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करो और आपका बिजनेस शुरू हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने की और उनके ऑनलाइन बिजनेस फेल हो गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से मैक्सिमम ऑनलाइन बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, आज के वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। चलिए दोस्तों, फटाफट बात कर लेते हैं उन 10 कारण के बारे में जिसकी वजह से मैक्सिमम ऑनलाइन बिजनेस फेल हो जाते हैं। सबसे पहला, गलत प्रोडक्ट सेल करना। दोस्तों, गलत प्रोडक्ट सेल करने से मेरा मतलब है, मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करते हैं, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसकी नीड किसी को है ही नहीं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है, यार कुछ ऐसी चीज बेचते हैं जिसको कोई ना बेच रहा हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेच पाए, खाली हम अकेले हों जो मार्केट में बेचें। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी उस प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा है, उसका मतलब ये है कि उसको खरीदने वाले या तो नहीं है या फिर बहुत ही कम है। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चूज नहीं करना है जिसकी डिमांड मार्केट में ना हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कोई ऐसे प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा हो, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा मतलब थोड़े कस्टमर्स हैं, और दोस्तों अगर कस्टमर्स हैं तो आपको भी थोड़े बहुत कस्टमर्स मिल सकते हैं अगर आप अपने आप को कस्टमर्स के सामने अलग तरीके से और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, वेबसाइट का लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगना। दोस्तों, आजकल किसी के पास भी इतना पेशेंस नहीं है कि अगर वेबसाइट लोड हो रही है तो उसके लिए वेट करें कि वेबसाइट खुलेगी, उसके बाद में हम प्रोडक्ट परचेस करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अच्छे सर्वर्स बाय कीजिए जिनका लोड टाइम फास्टर हो। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी फ्री सर्वर्स होते हैं, फ्री होस्टिंग होती है, उनसे दूर रहिए, क्योंकि उनमें लोड टाइम बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने फ्री सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी पेजेस होंगे या फिर जो वेबसाइट होगी वो लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, मान लीजिए कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ जाता है और उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, वो प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है, लेकिन आपकी वेबसाइट है कि लोड होती ही जा रही है, तो आप खुद सोचिए क्या वो प्रोडक्ट परचेस करेगा, नहीं करेगा। तीसरा, गलत पेमेंट गेटवे चूज करना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में पेमेंट गेटवे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पर गलत पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ऐसी कंपनी का पेमेंट गेटवे लेते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, कस्टमर आपकी वेबसाइट से कुछ परचेस कर रहा है और वो ट्रांजेक्शन करता है, उसका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है लेकिन उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो क्या वो दोबारा आपकी वेबसाइट से कुछ परचेस करेगा? जवाब है नहीं। उसका आपकी वेबसाइट से भरोसा उठ जाएगा और वो दोबारा कभी भी आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोग अपने कस्टमर्स को खो देते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा चलो थोड़ा सर्च करते हैं मार्केट में कौन सी कंपनी बेस्ट पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से मुझे पता चला सबसे बेस्ट कंपनी है Razorpay, क्योंकि दोस्तों इनके पेमेंट गेटवे पे ट्रांजेक्शन फेलियर के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसीलिए तो दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज भी पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए इन्हीं का पेमेंट गेटवे यूज करती है, जैसे कि Zomato, BookMyShow, Airtel, IRCTC और भी बहुत सारी कंपनीज है। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको Razorpay का पेमेंट गेटवे यूज करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका रेवेन्यू लगभग लाख रुपए तक बढ़ सकता है। अब आप सोचेंगे वो कैसे? देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि इनके पेमेंट गेटवे पर ट्रांजेक्शन का सक्सेस रेट ज्यादा होता है, फेलियर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इससे आपका कोई भी कस्टमर लूज नहीं होता और आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, Razorpay 100 से भी ज्यादा पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि UPI, NEFT, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट वगैरह वगैरह। और तो और दोस्तों, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके पास एक और ऑप्शन मिल जाता है कि वो हिंदी में भी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश की तुलना में हिंदी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों को कस्टमर में कन्वर्ट करना अब और भी आसान हो गया है। तो दोस्तों, आपके कस्टमर्स को इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इससे फायदा क्या होता है कि वो अपनी
काबूलियत के हिसाब से पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है, आप Razorpay का पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ 30 मिनट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस एकदम आसान होता है, कोई भी इजीली कर सकता है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, Razorpay आपको पेमेंट लिंक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए आपको किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो आप सिंपली एक लिंक क्रिएट करके उसको भेज सकते हैं, तो वो आदमी उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आपको पेमेंट कर सकता है। आप सभी के लिए मैंने Razorpay का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पे क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। चौथा, प्रोडक्ट की बैड फोटोग्राफी। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस में जो प्रोडक्ट की फोटोज होती है वही गेम चेंजर होती है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी फोटोग्राफ्स होगी तो कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे, और अगर फोटोग्राफ अच्छी नहीं होगी तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन नहीं पड़ता है, सिंपली फोटो देखते हैं, अगर फोटो अच्छी दिखती है तो डिसीजन बना लेते हैं कि प्रोडक्ट परचेस करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी पे ध्यान दीजिए। पांचवा, वेबसाइट का गूगल के फ्रंट पेज पर रैंक ना होना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैक्सिमम ऑनलाइन बिजनेस के फेलियर के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, उसके बाद में आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहां से आएगा? देखिए दो ही ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है पेड तरीका, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा। और दोस्तों दूसरा तरीका होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में गूगल की तरफ से भी ट्रैफिक ले सकते हैं। अब दोस्तों आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट बना ली और आपके पास कुछ बजट होगा जिसमें आप अपना एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, एक बार वो बजट खत्म हो गया उसके बाद में आपके पास ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए गूगल के फ्रंट पेज पर रैंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गूगल की तरफ से ट्रैफिक मिलता रहे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना होगा, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गूगल की तरफ से ट्रैफिक मिले और आपका बिजनेस चलते रहे। क्योंकि दोस्तों कितने दिन तक आप पैसे देके ट्रैफिक को बुलाओगे? आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है उनको कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक किया जाए, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गूगल की तरफ से ट्रैफिक मिलता रहे। छठा, क्वालिटी कंटेंट की कमी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी कंटेंट की कमी होती है बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फेल होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वालिटी कंटेंट एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या होता है, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कीजिए। इन्फॉर्मेशन आप टेक्स्ट फॉर्मेट में दे सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में दे सकते हैं, या फिर इमेज फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी गूगल की रैंकिंग बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पांचवें पॉइंट में बताया कि अगर आपकी वेबसाइट गूगल के फ्रंट पेज पर रैंक होती है तो आपको फ्री में ट्रैफिक मिलता है, और वो आपको मिल सकता है क्वालिटी कंटेंट से। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले कस्टमर उसके बारे में पढ़ना पसंद करता है या फिर वीडियो देखना पसंद करता है। तो दोस्तों आप जो भी चीज बेच रहे हैं उसके बारे में अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर का एक ट्रस्ट बन जाता है, कस्टमर को लगता है कि ये लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर मैं इनसे प्रोडक्ट परचेस करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो इससे आपके कन्वर्जन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है उनके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सातवां, कोई भी मार्केटिंग प्लान ना होना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनके पास मार्केटिंग का कोई प्लान नहीं होता, जिसके कारण उनका ऑनलाइन बिजनेस फेल हो जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं तो अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग का एक प्लान बनाइए, और अगर वो प्लान फर्स्ट टाइम में काम नहीं करता तो उसमें थोड़े से चेंजेस कीजिए और उसके बाद में उसको वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। आपके मार्केटिंग प्लान में दो चीजें होनी चाहिए, सबसे पहला आप फ्री में ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे, दूसरा आप पेड ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे। देखिए फ्री ट्रैफिक के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एसईओ करना, आपकी वेबसाइट का आपको एसईओ करना होगा। अगर आपको खुद करना आता है तो आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी से करवा सकते हैं, एजेंसी होती है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं वो भी आपको इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा पेड ट्रैफिक जो मैंने आपको बताया था, एडवर्टाइजमेंट चलाकर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं। आठवां, कॉल टू एक्शन की कमी। दोस्तों मान लीजिए आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना ली और उसके अंदर कॉल टू एक्शन नहीं होगा, मतलब आप कस्टमर को बताएंगे नहीं उसको एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना है, तो ट्रैफिक आने के बाद भी आपको सेल्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपका कोई प्रोडक्ट खरीदे तो क्लियरली वहां पे लिखना होगा बाय नाउ या शॉप नाउ, और अगर आप सर्विस बेचते तो वहां पे प्रॉपरली ऑप्शन होना चाहिए कॉल नाउ। क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो कहां से परचेस करे, या फिर अगर आपको कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कैसे कॉन्टेक्ट करे। तो दोस्तों कॉल टू एक्शन का ऑप्शन आपकी वेबसाइट पे जरूर होना चाहिए, जिन वेबसाइट पे ऑप्शन नहीं होता उनके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नौवां, प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इमरजेंसी क्रिएट ना करना।
दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं कि अगर आप 2 घंटे के अंदर खरीदेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है, उसके बाद में इसकी प्राइस अलग हो जाएगी, या फिर स्टॉक के अंदर सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बाकी है, अगर आप अभी परचेस नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होता है, कस्टमर के दिमाग के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट होती है, उसको लगता है कि ऑफर चल रहा है और अभी स्टॉक आउट होने वाला है, अगर मैं आज परचेस नहीं करूंगा तो क्या पता नेक्स्ट टाइम मुझे ये प्राइस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं और ऐसी कोई इमरजेंसी क्रिएट नहीं करते हैं तो कस्टमर क्या सोचेगा, ठीक है ये प्रोडक्ट तो मैं आज नहीं परचेस करूंगा तो क्या होगा, कल भी कर सकता हूं, ये तो एनी टाइम रहने वाला ही है। तो कस्टमर अपने डिसीजन को टालते रहेगा, लेकिन अगर आप इमरजेंसी क्रिएट करते हैं तो वो तुरंत डिसीजन लेगा और आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 10वां, प्रोडक्ट का प्राइस और शिपिंग हाई होना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, अगर आप प्राइस बहुत ज्यादा रखेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो 500 रुपए में बेच रही है और दूसरी वही प्रोडक्ट 480 में बेच रही है, तो कस्टमर 480 वाला खरीदेगा, 500 वाला नहीं खरीदेगा। आप भी वही करेंगे, मैं भी वही करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर शिपिंग चार्जेस हाई रखते हैं तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों आप एक ही प्रोडक्ट को 2 तरीकों से बेचते हैं। सबसे पहला आप उसका एक फिक्स प्राइस रखते हैं 500 रुपया और दूसरे का रखते हैं 400 रुपया प्लस 100 रुपया शिपिंग। तो मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल दूं, 500 रुपए में कस्टमर इजीली खरीद लेगा लेकिन 400 रुपया प्लस शिपिंग नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंडियन लोगों की थोड़ी सी मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो शिपिंग के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगेगा कि 400 रुपए के प्रोडक्ट के लिए मैं 100 रुपए शिपिंग दूं, मतलब ऑलमोस्ट 25% मुझे शिपिंग देना पड़ेगा, नहीं नहीं ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। और वहीं अगर आप शिपिंग का प्राइस प्रोडक्ट के अंदर ऐड करके डायरेक्टली बताते हैं तो कस्टमर इजीली खरीद लेता है। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इन 10 पॉइंट को ध्यान में रखना है ताकि आपका बिजनेस फेल ना हो जाए। इसके अलावा Razorpay का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं, तो जाइए अभी का अभी साइन अप कीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।